एक बार मार्क जकबर्ग किसी काम की वजह से एक होटल में रुके, तो होटल में उनका इंटरव्यू हुआ। तो उनको पूछा गया कि आप किस होटल में पहले रुके थे, आपको याद है? वो बोले नहीं। आप किस मैसेज को पहले किए थे, आपको याद है? वो बोले नहीं। मतलब जो बंदे के पास हमारा सारा इन्फॉर्मेशन है, उसके पास अपना खुद का इन्फॉर्मेशन नहीं है। और ऐसे ही आज के इस वीडियो में मैं आपको सोशल मीडिया ऐप्स के बारे में कुछ ऐसे काले रहस्य बताने वाला हूँ जिससे आप पहले अनजान थे। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सोशल मीडिया ऐप्स को बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं और आप भी करते होंगे, इसलिए आप इस वीडियो को देख रहे हैं। और इन सब सोशल मीडिया ऐप्स में एक चीज़ तो कॉमन है कि आप जब एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं तब आपको वो परमिशन मांगता है, तो आप एक के बाद एक परमिशन अलाउ कर देते हैं, जिसके बाद आपके वो सारे डाटा को एक्सेस कर सकता है। तो आप जो देखना चाहते हैं उसके बाद वो वही दिखाता है। आप जिस वे में देखना चाहते हो, जिस कैटेगरी में देखना चाहते हो, वो आपको दिखाता है, जिससे कि आप उस ऐप से एडिक्शन लग जाता है और उस ऐप्स को खोलने में बहुत मज़ा आता है, उसको बार बार देखने का मन करता है। उसके बाद से आप उसके अंदर पूरी तरह से घुस जाते हैं। जैसे कि एक बात है इंस्टाग्राम के, जिसका नशा इस पूरे वर्ल्ड वाइड में छा गया है। उसको यूज़ करने के 5-6 दिन बाद आप उसमें कुछ रील्स अपलोड करते हैं, कुछ उसमें पोस्ट शेयर करते हैं, तो उनके लाइक्स को देखने के लिए आप उनमें जुड़ जाते हैं। आप हमेशा लगे पड़े रहते हैं, रिफ्रेश करते हैं, क्या कोई लाइक्स आया, क्या मेरे स्टोरी को कोई देखा क्या। आप उससे पूरा लगाव लग जाता है सोशल नेटवर्क से। अब ना खाना पीना ना कुछ, खाली उसी में ही लगे पड़े रहते हैं पूरे दिन, पूरे टाइम को बर्बाद कर देते हैं उसी समय में। और इसको यूज़ करने के बाद आप सभी कामों को टालते रहते हैं कि बाद में कर लूँगा, कल कर लूँगा, अभी थोड़ा सोशल मीडिया चला लेता हूँ, फेसबुक चला लेता हूँ, जिसके बाद फिर आपको बाद में पछतावा होता है कि मैंने हाँ ये नहीं किया है, क्या करूँ अब। अगर आप चाहते हो ये सब चीज़ें ना हो, तो एक ही आप काम कर सकते हो, वो क्या है कि आप सारे ऐप्स को डिलीट कर दो और कुछ नहीं, जिससे कि आप अपने वैल्यूएबल टाइम को बचा सकते हो। और कुछ नहीं कहूँगा, इतने में वीडियो को रख रहा हूँ। देखते रहिए द मोटिव, मैं लौटूंगा और एक सकारात्मक सोच के साथ।